कर लिए हैं, अभी हम चल रहे हैं ये पपाया खाने। पपाया खाने के बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। अरे इसे हम काट वाट के सही कर लेते हैं जिससे सब लोग इसे खा सके। मैंने पपाया काट लिया, अभी हम चल रहे हैं खाने। ये हमारा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे भी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बाहर का खाना हो जा रहा है, मतलब बाहर का मतलब बहुत स्पाइसी, बहुत ही मसाले वाला। पपाया खाने से हमारा डाइजेशन थोड़ा सही है। हेलो एवरीवन, सो मॉर्निंग का सारा रूटीन मैंने अपना कर लिया है और नहा बहाते मैं सब फ्रेश हो चुकी हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा स्टडी रूम है उसको थोड़ा डेकोरेट करती हूँ आज, क्योंकि आज है संडे तो थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि आज करते हैं इसको सारा डेकोरेट अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई तो अच्छी हो नहीं पा रही है। सोचे रूम ही डेकोरेट कर लें, शायद उसे देख के पढ़ने का मन करने लगे कि हाँ इसको डेकोरेट करने में इतना टाइम लगाया है तो पढ़ भी लेते हैं। तो अभी तो आप देख सकते हैं सारा चीज़ ऐसे फैली हुई है, ठीक है। अब इसे हम सारा अरेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अभी ये कैसा लग रहा है, बाद में ये कैसा लगेगा। जल्दी हम सारा चीज़ सेट करते हैं और थोड़ी देर पढ़ेंगे भी, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है। संडे है तो क्या हुआ, ऐसे हम अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ सकते हैं अच्छे से। सो यहाँ लिख के भी रखा है हमने, डोंट वेस्ट अ सिंगल डे, यूटिलाइज इट मैक्सिमम। सो हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना भी है। जल्दी हम सारा चीज़ अरेंज करके रख लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। सो चलते हम पहले अपना सारा चीज़ अरेंज करते हैं। पहले सारा चीज़ अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, हम एक कपड़े से सब साफ कर लेंगे। सारा चीज़ अच्छे से चमका देंगे हम, बिल्कुल एक भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। डस्ट क्रिएट इरिटेशन, सो डस्ट तो रहना ही नहीं चाहिए कमरे में। तो यहाँ हमने पूरे टेबल को साफ कर लिया है, अब हम सारे चीज अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सारी जो हमारी बुक्स हैं ये सारी ऐसे बिखरी पड़ी हैं, इस पर हम एक अच्छे सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। यहाँ पे ये है सारा, मैंने घोचा घोची कर दिया है इसमें। तो यहाँ पे हम स्पायरल वाली सब एक साइड रखेंगे, कॉपीज और जो बुक है हमारी एक साइड रखेंगे, और जो हमारी सिंपल कॉपीज है वो यहाँ रखेंगे। यहाँ अरेंज करते हुए मुझे मेरी जो ये जो मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी तब की मेरी टेबल की बुक मिली मुझे, ये इसमें 2 का टेबल तो खो गया है, 3 से है। इसका कवर जो था वो फट चुका है, तो इसमें ये हमने दस्ती लगा दी है। यहाँ पे ये सारे हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, इसको हमने रखा है, इसको भी यहाँ पे हम अरेंज करके रख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये छोटी सी कॉपी है जिसमें हम थोड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि कोई चीज़ जो रेगुलर बेस पर रिवाइज करनी रहती है उसे हम इस कॉपी में रख सकते हैं और लिख सकते हैं, और अपने बैग में हमेशा रखे रहते हैं, जैसे ट्रैवल करें तो उसमें हम पढ़ सकते हैं। मेरे पास एक ये है और एक यहाँ पे ये वाली भी है। वैसे मैं BMS स्टूडेंट हूँ तो मुझे सारे श्लोक्स याद करने होते हैं, तो मैंने इसमें श्लोक लिखे हुए हैं, ये आत्मा के लक्षण एवं गुण। ये श्लोक इतना बड़ा सही से याद करना रहता है, फिर जो थोड़े थोड़े फॉर्मूला है उसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने सारे श्लोक और यहाँ पे ये सारे नाम चैप्टर्स के वो याद करने, क्योंकि ये मैंने एक कॉपी बना के रखी है। बाकी इसमें जैसे हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है तो उसके लिए मैंने इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास है, ये हम यहाँ रख दे रहे हैं। ये हमारे पास 2-5 है, अभी इसमें कुछ हमने नहीं रखा हुआ है, लेकिन जैसे चीज़ें बढ़ेंगी अभी पढ़ेंगे तो फिर आ जाएंगी, तो इसलिए भी रखेंगे हम। यहाँ पे इसे अरेंज करके रख देते हैं ऐसे। इसके बाद हमारे पास ये हमारी फिजियोलॉजी की बुक है, यहाँ ये फिजियोलॉजी की बुक है जैसे यहाँ पे हमारी बहुत ये थोड़ा ऊँचा लग रहा है, थोड़ा नीचा लग रहा है, तो इस पैरल तो क्या होगा, यहीं पर अरेंज कर देते हैं इसको भी। यहाँ पास फिजियोलॉजी की बुक, यहाँ पर है ये क्रिया शरीर की बुक जो मैं कल पढ़ रही थी रास्ते में थोड़ा बहुत, इसीलिए इसमें ये पेंसिल रख के रखी हुई हूँ। इसको तो ये पढ़ना है तो इसको यहाँ रख देते हैं। बाकी ये पदार्थ विज्ञान की बुक है और ये हमारी
रचना शरीर की बुक है, इसको भी हम यहाँ पे अरेंज करके रख देते हैं। इसको भी यहाँ रख देते हैं, जब पढ़ेंगे तो तुरंत ही उठा लेंगे, इसलिए इसको ऊपर रख दे रहे हैं। यहाँ पे ये सारी वाली एक कॉपी और है, यहाँ पे ये बहुत सारे शॉर्ट नोट्स जो है वो सारे यहाँ है। इसको हमने पिनअप करके रखा था, बट इसको हम लोग एक कॉपी के अंदर, मतलब जो फाइल थी हमारी उसके अंदर इसको हम रख देते हैं। तो 7 अप्रैल को मेरा एक PT2 पेपर है, तो उसमें हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे हमें रिमेम्बर रहे कि मेरा पेपर है और डे काउंट करती रहूँ मैं। तो यहाँ पे सारे डेट हमने लिख ली है, जिसमें से हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो हमारा डेट ख़त्म हो चुकी है अभी, और आज 17 है, तो वो भी समझो ख़त्म ही है, क्योंकि अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं, शाम तक पढ़ेंगे, बट आज का भी डेट ख़त्म है। हमारे पास इतने दिन बचे हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 डेज हमारे पास है हमारे पेपर के लिए। तो हम यहाँ पे डेट काउंट करते जा रहे हैं कि किस दिन हमारा पेपर है, और हम उसको उस हिसाब से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें इसे हमने यहाँ पर रख देना है अरेंज करके, जिससे ये दिखता रहे। और इसी के पास में हम ये अपने दोनों मार्कर्स भी रख देंगे, जिससे डेट हम उसको मतलब काटते हैं, जो जो डे होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपना टेबल सजाने हैं थोड़ा सा। सो टेबल के लिए हम यहाँ पे हमारे पास है ये हमारे पास पेन वाला, जिसमें पेन रखते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जो बोलते हैं पेन स्टैंड। सो इसको हम वहाँ पर रख देंगे ऐसे यहाँ पे। और ये हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है, क्योंकि ये पूरा चीज बहुत डल डल सा, एक ग्रीन कलर का पौधा बहुत अच्छा सा फील आता है इसमें। सो यहाँ पे एक पौधा रख देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ये वॉच है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि कितना बज रहा है, कितना टाइम है हमारे पास, हो गया। यहाँ पे ये पेड़ रख देंगे, यहाँ पे ये पेन वाला स्टैंड रख देंगे हम, यहाँ पे ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पर है मेरी कुछ दवाएं जो मुझे थोड़ा खानी पड़ती हैं, तो इन सारी दवाओं को हम वहाँ पर रख देंगे, जिससे जब मेरा मन करे मुझे मतलब कहीं उठ के जाना ना पड़े, तुरंत मैं एक दवाई को खा लूँ। ये हमारे पास सैनिटाइजर है छोटा सा, ये हमारे पास एक बम था, ये तितली वाला, ये हमने उड़ाया था लेकिन ये बच गया, तो इसको हम इस पेड़ के ऊपर रख देंगे तितली को अपनी। तो यहाँ पास हमारे पास है सैनिटाइजर, इसको यहाँ पे रख देंगे। और ये हमारे पास है फेविकोल, जिससे कुछ भी हमें चिपकाना हो, कोई चीज़ भी, तो ये हम रख सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर रखना चाहिए टेबल पर। यहाँ पर हमारे पास है ये मैक्सो, क्योंकि बहुत ही मच्छर काटते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लगा रहे थे। इस पर हमने थोड़े छोटे छोटे स्टिकर्स लगाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते हमारी स्किन जो है बहुत डल हो जाती है, तो मॉइस्चराइजर भी पास में रखें, जिससे तुरंत ही जैसे ही स्किन ऐसी लगी तो हम तुरंत मॉइस्चराइजर को लगा सकते हैं। और यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हमें डिहाइड्रेशन होता है, तो हम पानी पी सकते हैं, तो हमारे पास ये बॉटल है, हम इसको यहाँ पे रखेंगे, जब भी पानी पीना हो तो इसे हम पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बोर्ड है, इसमें भी देखिए मैंने एक चीज लिखा हुआ है, व्हेन इट इज योर गुड डे मेक इट ग्रेट वन, एंड व्हेन इट इज योर बैड डे देन ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, ठीक है। सो ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए कभी कभी,
थॉट्स भी, उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है और हमें पढ़ने का मन करता है। इसको रखने से पहले इस पर हम अपना टारगेट लिख देते हैं। ओ मेरा चौक था यहाँ पे, कहाँ चला गया, ये है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमें बनना है डॉक्टर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे जिससे हमें दिखता रहे कि हाँ हमें पढ़ना है, किसी ना किसी चीज के द्वारा पढ़ना है। और ये है मेरा स्टैथो, तो इसे भी हम कहीं पे टांग देते हैं। सभी यहाँ पे टंग गया है। ये मेरा ईयरफोन, ये मेरा चश्मे का डिब्बा, इसे भी हम यहाँ पे रख देते हैं टेबल पे। और ये है मेरा टैग, इसे भी हम यहाँ पर रख देते हैं। हमें अपना लेक्चर लेना होता तो हम इससे लेते हैं। सो यहाँ पे ये रहेगा। दवाओं को मैं सोच रही हूँ यहाँ पर रख दूँ, जो दवाइयाँ जल्दी नहीं खानी है, दवाइयाँ थोड़ा सही जब अरेंज करते हैं तो अपने आप ही कुछ माइंड में आने लगती है चीज़ें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमारे पास एक पिगी बैंक जिसमें हम चिल्लर रखते हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास है डायरी, अभी हम इसमें लिखेंगे हमारा आज का गोल। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है ड्रॉर, कितना बेकार हो चुका है ये ड्रॉर, इसको भी हम अरेंज कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमें ये कुछ चिल्लर मिले हैं जिसे हम अपने ये जो हमारा पिगी बैंक था इसमें हम डाल देंगे ये सारे चिल्लर्स को। ये हमारा हॉट वाटर बैग है, हमें कभी बैक पेन होने लगता है तो ये हमारे लिए, इसको भी हम इसमें रख देंगे। इसका ये चार्जर भी इसके साथ ही रख देंगे जिससे हमें खोजने ना जाना पड़े। यहाँ पर शरद सर्दी के लिए हो गया विक्स, होंठ फटने के लिए हो गया वैसलीन, कुछ दवाएं यहाँ पे भी हैं। ये हमारा चौक, ये हमने एड्रेस रखा हुआ है, बैठे बैठे कमर दर्द होने लगती है, गर्दन दर्द होने लगती है तो लगा सकते हैं तुरंत ही। सो यहाँ पे ये वाला तो फ्लोर हमारा सही हो गया, यहाँ पे ये खैंकी हुई है इसको भी अरेंज कर लेते हैं। ये वाला फ्लोर, ओह माय गॉड, यहाँ पे ये देखिए फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था ये ईयर प्लग, जैसे कि अगर आपको ये है कि आप पढ़ रहे हो बाहर बहुत आवाज आ रही है तो आप ये ईयर प्लग्स को अपने कान में लगा सकते हैं, इससे बाहर की आवाज मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मतलब ये कम कर देगी आवाज, बाहर की आवाज को, और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे ईयर प्लग्स हैं, ग्रीन रेड ऑरेंज, ये सारी पेन रखी हुई। ओ माय गॉड, ये तो निकल गई, सबको अरेंज करके रखना पड़ेगा हमें।
इसी के लिए एयरप्लग मैंने मंगाए हुए हैं। जब देखो तब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने चला जाता है कि ये ले लो वो ले लो। एयरप्लग रहेगा तो क्या होगा कि हमें बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है, और हम अच्छे से पढ़ सकेंगे। सो ये आज का टारगेट हम अपना लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज का टारगेट हमने पूरा लिख लिया है। इसको हम ये सामने ऐसे रख देंगे जिससे हमें ये दिखता है, ठीक है, क्या क्या टारगेट हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम बोले थे कि लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी कुछ देर। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप वॉच यहाँ पर नहीं रखनी है। सो यहाँ पे हम जो कल चैप्टर पढ़ रहे थे उसको आज पढ़ लेते हैं थोड़ी देर और इसको ख़त्म कर देते हैं चैप्टर को। बहुत पढ़ चुके हो, सोच रही हूँ थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, यही सब है। पढ़ने का मन नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करने का मन करेगा। सब कुछ कर सकते हैं, बस पढ़ नहीं पाएंगे।